हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सायाटिक के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं सायाटिक नर्व। सायाटिक नर्व एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से नर्व्स एग्जिट होती हैं वर्टिब्रे के बीच में से। तो ऐसे नर्व्स का कॉम्बिनेशन, चार पांच नर्व का कॉम्बिनेशन होता है और लोअर बैक में एक नर्व बनती है जो कि बहुत थिक होती है, उसका नाम होता है सायाटिक नर्व। और वो बटॉक्स में से, थाइस में से, फिर नी के पीछे से पैर तक नीचे ट्रैवल करती है। तो सायाटिका क्या है? सायाटिका में सिम्टम कैसे आते हैं कि कंटिन्यूस पेन रहेगा, बटॉक में पेन रहेगा, थाइस में पेन रहेगा, फिर लोअर बैक में पेन होगा और नीज के पीछे पेन होगा। तो ये पेन कंटिन्यू चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसमें पेशेंट को टिंगलिंग होगा, पेशेंट को टिंगलिंग, नमनेस, वहाँ का एरिया सुन्न हो जाएगा, वहाँ की सेंसेशंस कम हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। पेशेंट थोड़ा सा भी चलता है तो उसे तकलीफ़ होने लगती है, पेशेंट ज़्यादा झुक नहीं पाता, थोड़ा झुक जाए तो उसे पीछे की साइड में, पैर में, थाइज में, बटॉक में तकलीफ़ होती है और वो झुक नहीं पाता, और इस तरह से उसकी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो उसकी लाइफ सही से जी नहीं सकता। तो सायाटिका में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सायाटिक नर्व जहाँ से बन रही है, लोअर लंबा रीजन और सैक्रल रीजन से, वहाँ पर कहीं तो उस नर्व का कहीं पर कॉम्प्रेशन हो रहा है या फिर से इरिटेशन हो रहा है, उसे इंजरी हो रही है। तो इसकी वजह से सायाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन में पेन होता है, उसी पेन को हम कहते हैं सायाटिका। तो सायाटिका ज़्यादा क्यों होता है कि डिस्क या दो वर्टिब्रेज के बीच में डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क का प्रोलैप्स होने की वजह से, वो डिस्क में बल जाने की वजह से उसका जो प्रेशर जो है, तो सायाटिक नर्व पड़ता है, उसका प्रेशर नर्व पे पड़ता है और उसकी वजह से, नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन, नमनेस, टिंगलिंग, ये सेंसेशन, ये सिम्टम्स पेशेंट में मिलते हैं। और दूसरा ये रीज़न होता है कि डिस्क, एक होता है डिस्क हर्निएशन, मतलब डिस्क बल्ज हो जाएगा, और दूसरा होता है डिस्क स्लिप हो सकती है। मीन्स जैसे कि जिम में जाने के बाद में अचानक से हेवी वेट को आपने लिफ्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से आपके दो वर्टिब्रेस के बीच में बहुत प्रेशर आने की वजह से वहाँ की डिस्क स्लिप हो गई और अब वो नर्व पे प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से आपको सायाटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये थे सिम्टम्स सायाटिका के। लेकिन अब सायाटिका की ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सायाटिका की ट्रीटमेंट, सायाटिका मीन्स क्या है? कॉम्प्रेशन की वजह से होने वाला पेन। अगर वहाँ का कॉम्प्रेशन रिलीफ हो जाए या फिर वहाँ जो नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है वो अगर कम हो जाए तो सायाटिका का पेन कम हो सकता है। 70-80% पेशेंट जिनको सायाटिका का प्रॉब्लम है, उनमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनमें एक्सरसाइजेस करके, फिजियोथेरेपी करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मल्टीविटामिन देकर। और वो फैक्टर जिनकी वजह से सायाटिक नर्व इरिटेट हो रही है, अगर हम रोक सकते हैं तो उसे रोक लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हम कांस्टेंट एक पॉकेट अगर लेकर बैठ रहे हैं, पीछे की साइड में पैंट के अगर पॉकेट रख रहे हैं और हमेशा प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से अगर उससे सायाटिक नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, तो हम वो यूज़ करना छोड़ दें। तो इस तरह के इससे कुछ होते हैं मॉडिफाइबल और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब कि क्या? हम प्रेशर वो नहीं करना चाहिए जिससे हमें पेन होता है। जैसे कि सायाटिक नर्व का प्रॉब्लम हमको है तो हमने ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, अगर बेंड होते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा पेन होता है। तो हम जो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस होती है वो एक्सरसाइजेस कर लेना चाहिए, उसकी वो एक्सरसाइजेस हमने सीखना चाहिए। और तो जैसे कि 70-80% पेशेंट में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से पेशेंट में माइल्ड बल्ज होता है, डिस्क हर्निएशन होता है, जिसकी वजह से सायाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है और वो वहाँ पर पेन होता है। लेकिन ऐसे कि हर केस में जिसमें कि डिस्क बल्ज हो, उसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज करके उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और एक्सरसाइज से होता क्या है? एक्सरसाइज करने से बैक के मसल्स, बैक एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज से जो बैक के मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जो दो वर्टिब्रे को कनेक्ट करने वाले मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो दो वर्टिब्रे को एक दूसरे में डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, ताकि इंटर वर्टिब्रल डिस्क पे ज़्यादा कॉम्प्रेशन ना आए। तो
तो एक्सरसाइज करने से बहुत से पेशेंट में रिलीफ मिल जाता है। बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिनका बल्ज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिनके वर्टिब्रे में ऑस्टियोफाइट्स मीन्स एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हो चुकी है और जो कि साइटिक नर्व को कंप्रेस कर रही है। तो ऐसे केसेस में हमें ऑपरेट करना होता है जहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स है या फिर सीवियर डिस्क बल्ज है या स्लिप डिस्क हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हमको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो साइटिक नर्व के ट्रीटमेंट में क्या देंगे जनरली, उसमें मल्टीविटामिन दिया जाता है, जो कि कोई भी न्यूरोपैथिक पेन हो या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर लोग मल्टीविटामिन्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि विटामिन जो है तो नर्व जनरेशन में काम करते हैं, इसलिए हम मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में एक पेन किलर और सायाटिका के पेशेंट को स्टेरॉयड टैबलेट्स भी दिए जाते हैं ताकि उनका पेन और स्वेलिंग कम हो जाए। स्टेरॉयड टैबलेट्स से जो है तो इन्फ्लामेशन कम होता है, जिसकी वजह से पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ऑपरेट ऑपरेट करने की हर केस में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं। तो साइटिका का डायग्नोसिस कैसे करें, एग्जैक्ट डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जब पेशेंट को लिटाया जाता है और दोनों पैर स्ट्रेच करके पैर को ऊपर उठाया जाता है, अगर पेशेंट को पेन होता है तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पेशेंट को साइटिका हो सकता है, मीन्स नर्व कंप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस और उसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एमआरआई करने के लिए एडवाइस करते हैं। एमआरआई में क्लियर पिक्चर आता है कि कहाँ पर कॉम्प्रेशन है, कहाँ पर बल्ज है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नर्व में, जो बैक में पेन हो रहा है, दहेज में पेन हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है, तो वो सायाटिका का है या नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो सायाटिका टॉपिक पर। तो अगर इस वीडियो के अगर इस टॉपिक पे आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी है उसके अंदर आप आपका फॉर्म फिलअप करके मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।